श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो देखकर दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, और एक चीज जो मेरी एक खुशफहमी थी या गलत फहमी थी आज वो भी जाती रही। वो क्या थी कि मैं सोचता था कि पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों का ही बीड़ा गर्क हुआ है, लेकिन इस वीडियो का मैंने थोड़ा सा देखा और देखकर ही मैंने कहा यार ये वहाँ के जो मुसलमान हैं उनका भी बीड़ा गर्क ही है, हम जैसे ही हैं। कुछ हैं जो थोड़ा सा शऊर आ चुका है, तो कुछ तो फिर हम जैसे लोग यहाँ पे भी हैं कि जो थोड़ा सा और तरह सोचते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं ये क्यों अफसोस हो रहा है मुझे इस सारी चीज पे। और जिस मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो भिजवाया तो लाजमी देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। क्या बनना है? मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब बनना है। टीवी नहीं है घर? नहीं, हम नहीं रखते। हम नहीं रखते। क्यों? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है। टीवी को ना रखने का फायदा ही वही है कि हमारी रोजी ना जाए और हमारे धंधे में बरकत आए। क्या नाम है आप लोगों का? आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिन टुक्का। आमिन मोहम्मद। मोहम्मद आपका? मोहम्मद सुफियान नंदुलिया। सुफियान। अनस जुबैर सिप्रा। अनस। मसब मान नंदुलिया। मसब मान नंदुलिया। मसब मसब मसब। और आपका? हसन जाहिद मरिडिया। हसन। छोटे मियां सबसे आप ही हो, तो ये सब तुम लोगों ने एक जैसा कपड़ा क्यों पहना है? हम स्कूल जाते हैं, साहब ने ड्रेस दिया है। अच्छा, ये स्कूल का ड्रेस है? हाँ। तो ये ऐसे कुर्ता पजामा पहनते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी। छठी में? हाँ। क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, गुजराती, विज्ञान वगैरह पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाया जाता है। और आप क्या पढ़ते हो? छठी। सेम क्लास में? तो ये इसीलिए एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। हाँ। तो स्कूल में पढ़ते हो या मदरसे में? स्कूल में पढ़ते हैं और मदरसे में भी पढ़ते हैं। दोनों में? हाँ, दोनों। तो कब मदरसे में कब जाते हो? कितने बजे मदरसे जाते हो? जाते हैं कभी कभी, शाम को जाते हैं, कभी सुबह जाते हैं। अच्छा, और आपका, आप क्या करते हो? हम पढ़ने। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? साथ में। साथ में। आप इनसे सीनियर हो? इनसे सीनियर हो। तो ये जो है सब अभी शाम के टाइम सारे बच्चे जुट के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खेल रहे हैं। खेल रहे हो? क्या खेलते हो तुम? हमको खेलना हो तुम्हारे साथ। क्रिकेट। तो क्या क्रिकेट खेलते हो? हैं? और क्या खेलते हो? कबड्डी। कबड्डी। तो अभी तो यार तुमने कुर्ता उर्ता स्कूल ड्रेस चेंज नहीं की, कबड्डी कब खेलोगे? अब उतारे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद? कहाँ पे कबड्डी होता है? यहाँ गाँव में कुछ है? पीछे। पीछे ये बड़ा तुम्हारा ये चश्मा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहाँ से ली हुई है? कहाँ से लिए चश्मा? दुकान से। कौन सी दुकान से? सुनाश्राम। कौन से बता रहे हैं? सुनाश्राम। छापी। छापी से? छापी से, वडगाम में। तो हम लोग वडगाम में है, बनासकांठा जिले की। बड़गाम एक सीट है, चर्ची सीट है, जिग्नेश मेवाड़ी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हमें कुछ बच्चे दिखे, एक तरह का ड्रेस दिखा, टोपी लगाए थे और चश्मा पहना हुआ था और एक तरह से खेल कूद रहे थे। हमने कहा आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो ये बताओ कि स्कूल में जो है टीचर उचर आते हैं? कितने टीचर आते हैं? छः। तो क्या क्या पढ़ते हो? कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? नहीं। हाँ। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में कुरान पाक और किताब पढ़ाते, कुरान शरीफ। और आप भी जाते हो मदरसे में? नहीं, हम नहीं। पढ़ रहे। आप स्कूल से जाते हो? तो स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? गुजराती, इंग्लिश, हिंदी। हाँ। सामाजिक विज्ञान। हाँ। इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश का। इंग्लिश।
आप लोगों के पापा क्या करते हैं? पिताजी लोग के टीचर है। टीचर है आपके? कारखाने में है? कारखाना है। कारखाने में आपके? पढ़ाते हैं मदरसे में। वो भी मदरसे में पढ़ाते हैं। और आपके? बकरा रखते। बकरा क्या करते हैं? खेती काम करते। खेती काम करते। भाई भाई एक सेकंड यार, कैमरे के सामने मत आओ यार। और आपके? इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक का। तो बड़े होके क्या बनना है? मौलछाप। क्या बनना है? मौलवी। मदरसे में पढ़ाना है। अच्छा, और आपको कुछ सोचा है? पढ़ना है। पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ना है। और क्या बनना है आपको? मौलवी साहब बनना है। हैं? मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब बनना है। मौलवी साहब क्यों बनना है? क्यों ऐसा लगता है? इसे बहुत सारे बच्चे बताते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप ऐसा क्यों बताते हो कि मौलवी साहब बनना है? कुछ वजह होगी कि उसमें इज्जत होती है, पैसा होता है, क्या होता है? खुशी से। खुशी से। तो मौलवी बन के आप क्या करोगे? बच्चों को पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ा। अच्छा, तो किसी को यहाँ कुछ क्रिकेटर विकेटर नहीं बनना है जैसे? नहीं। क्या बनना है तुमको? मौलवी साहब। मौलवी बनना है? हाँ। अच्छा हाँ। तो यार एक गांव में इतने सारे मौलवी हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा है? तुम्हें क्या बनना है? मौलवी साहब। तुमको भी मौलवी बनना है? और तुमको? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। तो ये चार बच्चे मौलवी बनना चाहते हैं, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तो तुम पढ़ाई करोगे डॉक्टरी की, सॉरी बाहर जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करोगे। और यहाँ पे जो है ये मौलवी साहब क्यों बनना चाहते हैं, ऐसा क्या है मौलवी साहब लोगों का प्रभाव? पता नहीं। नहीं पता? हमें ये अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा लगता है। हाँ। तो उसमें मौलवी साहब लोगों का प्रभाव ज्यादा होता है, लोग सम्मान करते हैं उनका? हाँ। उनकी लोग सुनते हैं? हाँ। बातें सुनते हैं उनकी। अच्छा, क्या बताते हैं? मौलवी साहब पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने क्या सिखाया? कुरान पाक। अच्छा, किताब पढ़ाते हैं हमें। क्या लिखा है कुरान पाक में, क्या अभी तक पढ़ा आपने? जैसे मान लो कि क्या नाम बताया था? अनस। अनस। अनस जैसे जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जिनको नहीं पता कुरान पाक के बारे में, तो अनस ने जो पढ़ा है तो क्या बताएंगे अनस की उसमें क्या लिखा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान, ये लिखा है, ये अलग अलग आयत लिखी है कुरान पाक। तो क्या मतलब होता है इसका? पढ़ने का मतलब होता है। तो नहीं, इसका कुछ हिंदी में मतलब होगा, इसका कुछ आप लोगों को बताया गया कि इसको पढ़ने से क्या होता है? नहीं बताया। नहीं बताया गया। तो आपके गांव में कौन कौन मौलवी साहब लोग हैं? अच्छा, बहुत और बच्चे भी आ गए। आप क्या करते हो? क्या करते हो? अरे मार क्यों रहे हो यार उसको, छोटा भाई है क्या तुम्हारा? है दोस्त है? नहीं। तो क्यों मारा है उसको इतना तेजी से? वो भी तुमको मार देता तो पलट के है? अच्छा, तुम लोग इतना शर्मा रहे हो कि ऐसे भी तुम्हारे घर वालों से पूछेंगे तो ऐसे ही शर्माते हो या फिर ऐसे हमको देख के शर्मा रहे हो? तुमको देख के शर्मा रहे। हमको देख के क्यों शर्मा रहे हो? हमारे में कुछ सुरपंख लगे हुए हैं, ऐसा क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ये जैसे यूसुफ पठान का नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। रविंद्र जडेजा का? नहीं सुना। विराट कोहली का? हाँ, सुना है। सुना है। जडेजा का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना। और किस किस क्रिकेटर का नाम सुना है? विराट कोहली सचिन तेंदुलकर, धोनी। अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा गेम लगता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी? क्रिकेट। क्रिकेट। क्या छोटे मियाँ? गांव का सरपंच बनना है। क्या गांव का सरपंच बनना है? नहीं। हाँ। नहीं। ये कुछ बोल रहे थे गांव का सरपंच बनेंगे? नहीं। उसने टीम बनाई है। टीम बनाई है। नहीं बना। अच्छा, तुम लोगों का नेता कौन है? जो तुम लोग सब लोग साथ में खेलते हो तो तुम लोग का नेता कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं। तो क्रिकेट खेलते हो तो कैप्टन कौन होता है? कोई भी। कोई भी। जिसका बल्ला बैट वो कैप्टन है? और ऐसा करते हो बैटिंग करके भाग तो नहीं जाता कोई?
नहीं ऐसा नहीं होता नहीं क्या पूरा गेम होता है हाँ यहाँ ग्राउंड है खेलने का हाँ अच्छा बना दीजिए कहाँ खेलते हो नहीं 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 पीछे मैदान में पीछे मैदान आप भी पढ़ते हो इसी स्कूल में हाँ क्या पढ़ते हो आप मैं सातवीं सातवीं में हाँ इनके साथ पढ़ते हो हाँ अच्छा और मदरसे में भी जाते हो पढ़ने हाँ क्या स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है हाँ और स्कूल में अच्छा ज्ञान दिया जाता है अच्छा स्कूल में जो है कौन लोग आते हैं पढ़ाने टीचर भी शिक्षक भी है हम शिक्षिका भी है इंग्लिश भी पढ़ाते हैं इंग्लिश भी पढ़ाते हैं सब विषय पढ़ाते हैं और यहाँ पे तो दोनों जगह क्यों वैसे मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता ये सब होता है मगर उसमें अल्लाह की तारीफ होती है ऐसी दुआएं पढ़ाते हैं कि अच्छा। जिनको हमारे दीन में पढ़ना होता है अच्छा आप अपने धर्म के बारे में बताते हैं आपको कि क्या होता है धर्म और उसमें क्या नेक दीन के बारे में नेक चीज़ें बताते हैं क्या क्या बताते हैं दीन में नेक चीज़ें बातें हैं कि अल्लाह की इबादत करो नमाज पढ़ो अच्छा। या दीन की इबादत का करने का बताते हैं सब और दूसरे धर्मों के बारे में बताते हैं बताते क्या बताते हैं ये तो पता नहीं अच्छा तो आपको क्या बनना है बड़े होकर के बड़े हो रहे हमको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है तो ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और ये जो चार हैं ये जो सबसे शैतान जो है लड़का ये दोनों इनको आप लोगों को मौलवी बनना है और ये जो है ये छोटे मियाँ जो है ये सरपंच बनेंगे नहीं, हाँ, नहीं क्या करना है मौलवी बनना है मौलवी बनना है मौलवी बनना है आप लोग और क्या मौज में क्या करते हो और खेलने क्रिकेट खेलने के अलावा जो है बदमाशी में क्या क्या करते हो वो बताओ क्या करते हो अब तुम लोग यहाँ लड़ाई कर लोगे क्या ये सब लोग साथ में पढ़ती हैं जो बच्चियां हैं ये तो पता नहीं उनसे पूछ लो उनसे पूछ लो वो आ ही नहीं रहे हो तो जा नहीं इधर आओ वो देखो भाग गए उनके साथ पढ़ते अच्छा तो क्रिकेटर में तुम्हें कौन पसंद है क्रिकेट खेलते हो ना कौन पसंद है क्रिकेट में बैटिंग करते हो बॉलिंग 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 करते हो इन चारों में सबसे बदमाश तुम ही लग रहे हो सच है हाँ सच है सच है क्या क्या बदमाशी करता है ये मारता है हाँ कोई भी मारता है मुझको भी मारता है तुम लोग तो चार पांच लोग हो समझ लो ऐसा नहीं है इतना मुस्कुरा रहे हो तुम इतने प्यारे से हो तुम्हारी मुस्कान इतनी अच्छी सी है तुम इससे डर रहे हो क्या डर लगता है इससे वो शैतानी है क्या शैतानी वो शैतानी है ये शैतान है और तुम लोग सीधे हो हाँ सीधे हो अच्छा अच्छा और ये क्या ठीक बात कह रहा है ठीक बात कह रहा है इधर आओ अरे इधर आ जाओ कि ये शैतानी करता है कि कान में बता दूँ नहीं शैतानी नहीं करता वो देखो तुम्हारी तरफ कुछ इशारा कर रहा है मारेला बद्दू अच्छा गुजराती में कुछ बताओ हमको जरा कुछ गुजराती में बोल के बताओ जैसे अगर हमको पूछना हो किसी से कि कैसे हो तो क्या पूछेंगे केम छो हैं गुजराती में अगर किसी से पूछना हो क्या पूछेंगे केम छो पूछते हैं कैसे हो कैसे हो अच्छा तो क्या जवाब देते हैं मजा मां तो हमारी गुजराती इतनी में खर्च हो गई ख़त्म हो गई हमको हिंदी आती है तो ये चार बच्चे मिले इन्होंने कहा इनको मौलवी बनना है क्योंकि मौलवी का दर्जा थोड़ा ऊँचा माना जाता है गाँव में ओहदा होता है और ये सज्जन जो सबसे बदमाश वाले हैं इनको इंजीनियर बनना है और एक बच्चा ये भी मिला जिसको डॉक्टर बनना है कौन सा डॉक्टर बनना है कौन सा है तो मुझे मेरी मम्मी पापा कहते थे कि डॉक्टर बनना है मुझे उस बार सवाल नहीं किया था तो मम्मी पापा कहने से बनोगे जो तुमको पसंद है वो बनोगे मुझको पसंद ही है क्या पसंद है डॉक्टर बनना पसंद डॉक्टर बनना पसंद है
हाँ, तो जो अपने दिल में आएगा वही करना, दबाव में मत आना। जो बनना होगा, जो पढ़ना होगा वही पढ़ूंगा। थ्री इडियट देखी है फिल्म? देखी है? हाँ देखी है। थ्री इडियट फिल्म देखी है? उसमें डायलॉग रहता है ना। हाँ कौन कौन सी पिक्चरें देखी है आपने? पिक्चर में मैंने तो ज़्यादा नहीं देखी। फिल्में उल्में देखते हो? टीवी भी घर में? नहीं। टीवी नहीं है घर में? नहीं नहीं, हम नहीं रखते। हम नहीं रखते। क्यों? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है आपके यहाँ भी? नहीं रखते टीवी। नहीं रखते। टीवी नहीं रखते? नहीं रखते। क्यों गुनाह होता है? जैसे हमें नहीं पता ना, बताओ तो क्या होता है, क्यों गुनाह होता है? किसने, अच्छा ये किसने बताया आपको टीवी रखना? अल्लाह ने मना किया। ये आपको मौलवी साहब ने बताया? आपने पढ़ा कहाँ? इसको कहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको पढ़ाया होगा? हाँ मौलवी ने पढ़ाया, बताया हुआ। हाँ तो बहुत से लोग तो टीवी रखते हैं। हिंदी लगते, मुसलमान नहीं लगते। मुसलमान नहीं रखते, हिंदू रखते हैं। इसे मैं भी होटल में रुका था, वहाँ तो टीवी था। ऐसा ऐसा होता है कि टीवी नहीं रखते? नहीं। आपके घर में भी नहीं है? नहीं। लेकिन टीवी हमारा घर थोड़ी है। जी? हमारे लेकिन टीवी हमारा घर थोड़ी है। हाँ। टीवी तो घर में होता है। हाँ। टीवी हमारे घर में है क्योंकि हम रखना नहीं चाहते। होटल में तो सब टीवी है क्योंकि होटल हमारा घर नहीं है, वो तो एक दिन के रहने के लिए। होटल हमारा घर थोड़ी ना है, तो हम ऐसे करेंगे, नाम निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि वो टीवी रखा है होटल वालों ने, इसलिए हम इसको निकाल भी नहीं सकते। तो टीवी क्यों नहीं रखते, क्या वजह, इसके कुछ वजह? क्योंकि टीवी बड़ा शैतान है। टीवी बड़ा शैतान है? शैतान को घर में रखना वो जन्नाजा ही है। अगर शैतान घर में रहेगा तो हमारे घर में क्या होगा, इसलिए टीवी एक शैतान है। टीवी कोई चीज नहीं है, टीवी एक घर में शैतान है और शैतान को घर में रखना ना चाहिए। ये कैसे पता, कि किसने बताया कि टीवी शैतान? मौलवी साहब ने बताया कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को हम घर में रख नहीं सकते। तो आपके घर में कभी नहीं थी टीवी? नहीं। तो गाना वाना आप लोग सुनते हो? नहीं। हम नज्म सुनते हैं। नज्म किस पे सुनते हैं? मोबाइल में सुनते हैं। रेडियो भी है? नहीं, रेडियो तो नहीं है, मोबाइल ही है। अच्छा, तो आपने फिल्में फिर नहीं देखी कभी? नहीं। जैसे शाहरुख खान की फिल्में देखी? नहीं देखी। नहीं। किसी भी हीरो का नाम जानते हो आप? हाँ, हीरो के नाम तो बहुत जानते हैं। अच्छा। हाँ नहीं, तो जैसे जब फिल्में नहीं देखी तो कैसे जाने? सिर्फ नाम सुना है। अच्छा। हाँ सिर्फ नाम सुना है। फेसबुक ट्विटर ये सब चलाते हो आप लोग? नहीं। तो कैसे फिर नाम सुना, अखबार पढ़ में? हाँ यूट्यूब में। तो यूट्यूब देखते? हाँ। तो यूट्यूब में जो दिखता है वही तो टीवी में भी दिखता है? हाँ, पर टीवी हमारे घर में है नहीं और मोबाइल सिर्फ हमारे घर में है। नहीं तो टीवी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं खरीदा या मौलवी साहब ने बोला कि शैतान है नहीं लेना? हाँ मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। शैतान हमारे घर में रहेगा तो हमारे घर की रोजी जाएगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को हमारे घर में रखेंगे तो हमारी रोजी जाएगी। तो जैसे टीवी में, टीवी को ना रखने का फायदा ही वही है कि हमारी रोजी ना जाए और हमारे धंधे में बरकत आए। टीवी एक बड़ा शैतान है इसलिए हम घर में नहीं रखते, उससे हमारी रोजी जाती है। तो ये जैसे यहाँ बच्चे मिले थे, आपने बच्चों से बातचीत सुनी और बच्चों को जो बताया गया वो भी आपने सुना और बच्चे जो बता रहे थे वो भी आपने सुना, ये बच्चों से बातचीत आपको कैसी लगी? क्योंकि हम लल्लन टॉप की टीम जब घूमती रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी नज़र से जहाँ जा रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सबको दिखाया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है हमें मिल गए और कुछ से दोस्ती हो गई। किसी से मेरी दोस्ती हुई? किसी से दोस्ती हो गई? आज से हम लोग दोस्त हैं? ठीक है, तो जो है ये मैंने एक ज़बरदस्ती का दोस्त बना लिया और जो है बच्चों से बात की। आप लोगों को बातचीत कैसी लगी? हम ये बनासकांठा ज़िले के वडगाम में थे और यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इस सीट पे भी काफ़ी प्रभावी है। जिग्नेश मेवाड़ी यहाँ से चुनकर आते हैं, तो हम इसी सिलसिले में गांव में गुजर रहे थे तो हमें कुछ बच्चे दिख गए, हमें लगा इनसे बात करनी चाहिए।
आपको बताना चाहिए। तो आपसे बच्चों से ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ललन टॉप में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अभिनव, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मुस्लिम बच्चों का और टोपियां पहने हुए थे और मदरसा के स्टूडेंट्स थे और स्कूल भी पढ़ते थे, लेकिन कई हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी जो जो सनातनी है या जो के जिन पे मदरसा की छाप नहीं है वो इतने आगे बढ़ चुके हैं दुनिया में कि वो लगता है कि ये भारत का फ्यूचर है, लेकिन इन बच्चों को देखकर ये आज भी इतना वो पिछली सदियों का सोच रहे हैं, तो इनका मुस्तकबिल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इनका मुस्तकबिल होने वाला है, जो कि जिनको ये सिखाया गया है कि टीवी होना घर में गुनाह है और वो सारे के सारे मौलवी ही बनना चाहते हैं। और मौलवी क्यों बनना चाहते हैं, मौलवी क्या करता है, मौलवी जो है वो मदरसे में आपको कुरान पाक की तालीम देता है, नमाज के बारे में बताता है, नमाज पढ़ाता है, सिखाता है, ये काम होते हैं मौलवी के। और कहीं ना कहीं उसका काम हमारी इखलाकियात को भी बेहतर करना होता है कि जो, लेकिन हमारे मुसलमानों को देखते हुए नहीं लगता कि हमारी इखलाकियात पे भी कोई काम किया गया है, लेकिन इन बच्चों को आज के दौर में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे आज बच्चे कह रहे हैं भारत के कि टीवी रखने में भी गुनाह है, कारी साहब ने बताया, कारी साहब ने ये बताया। तो और वो कारी साहब जो टीवी को गुनाह कहने वाले थे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के जो हरी पगड़ी वाले, आज वो खुद टीवी पे सारा सारा दिन बैठे होते हैं और वो टीवी पे अपना चैनल बना रखा है, और जो गुनाह कहते थे तस्वीर खिंचवाने को भी, परफ्यूम की शीशी को लगाने को भी वो गुनाह समझते थे, इसमें अल्कोहल होता है, ऐसे ऐसे फतवे जारी करते थे, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ ही जायज करार दे दिया, लेकिन जब अपने पे बारी आई है। तो यही वो वजह है कि कहीं ना कहीं हम खुद इस सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं कि हम क्यों नहीं आगे बढ़े, हमारा मुसलमान तबका क्यों नहीं आगे बढ़ा, हमारी सोच क्यों वो वही की वही अटक रहेगी। तो बड़ी फिक्रमंदी की बात है, बड़ी ही गंभीरता की बात है कि हम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं, अब देखिए मेरे बच्चे और मेरे बच्चे सारा दिन टीवी पे अगर देखते हैं कार्टून्स, तो मैं समझता हूँ कि वो कार्टून्स जो देखते हैं उसमें से भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वो उसमें भी कई अच्छाई के पहलू होते हैं। और वो सबक में होती है, और वो मेरी सबसे जो छोटी बेटी है वो कहती है कि पापा कोई भी बात कर लूँ को जो उसको नहीं पसंद की ये नहीं होनी चाहिए, कहते पापा शिवा तो ऐसे नहीं करता। अब वो शिवा कार्टून उसको पसंद है, तो शिवा जो है वो गंदे लोगों को मारता है, वो हमेशा अच्छे ही काम करता है, वो सच बोलता है, और ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आप अगर आप ये टीवी नहीं हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखा नहीं सकते। क्योंकि हम, मैं जॉब करूँगा, जो बीवी उनकी माँ है वो घर के काम करेगी और इतना ज़्यादा उन पर वो चीज़ें नहीं देगी। आज जो टीवी है वो हमारे घर में कुछ ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि आज अगर हम YouTube है, YouTube पे हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें जो उनके लिए प्ले करते हैं कि क्या बात है जी, वो कल को कहते हैं कि भाई मैंने भी ऐसे बनना है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने मौलवी बनना है वो कह रहे हैं जो भाई गया, जो पता है, तो फिर भाई उनको पता है कि जब वो मौलवी बन जाएंगे वो मदरसे में बैठ के दाल हलवे खाएंगे फ्री के, और जो है उन्होंने भी देखा हुआ ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, वो मौलाना का बड़ा रोब होता है, मौलाना बैठ के खाता है, बच्चों को भेजता है जाओ घरों से लेकर आओ सालन जो भी अच्छा अच्छा पका होगा और वो लेकर आएंगे, और मौलाना उनके सामने जब तस्वीर ही मौलाना की सुबह दोपहर शाम सोते जागते, तो फिर उन्होंने मौलाना ही बनना है, उन्होंने और क्या बनना। और एक चीज देखेंगे, कहते हैं कि 9 साल तक की उम्र के बच्चे का जो दिमाग होता है ना वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज यानी कि चलता है, और जब ऐसे हम बच्चों को परवरिश देंगे ऐसे यानी कि उनकी शिक्षा करेंगे तो फिर बच्चे जो है फिर आगे जाके फिर ऐसे ही वो यही बात है ना, उनकी तरबियत कैसे करनी है ये देखेंगे। हालांकि ये मौलाना मुफ्ती जो कारी हैं इन सबको पता है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है,
ये सब कुछ जानते हैं कि ये कैसे हम बच्चों को हमने तरबियत करना, कैसे ट्रेन करना, मुफ्ती साहब इनका माइंड जो है ये कैसे हमने सेट करना। इनके बच्चे जो है ना इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और ये आम लोगों के बच्चे होते हैं जिनके पास अब पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, तो कहते हैं चलो किसी तरीके कुरान पाक पढ़ जाएंगे, हदीस पढ़ जाएंगे। अब देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि उनको बात करते हुए भी शर्म आ रही थी, हालांकि उनकी उम्रें काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद भी देखिए कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान समेत दुनिया भर। कई ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें छठी क्लास का बच्चा इंग्लिश में अपने टीचर से वो सवाल पूछ रहा है जो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि यार ये कहां से इतना दबाव, क्यों कहां उसको ये चीज मिली है, वो उसके स्कूल ने उसको सिखाया है, वो उस जगह पे वो उस माहौल में परवरिश पा रहा है कि कल को आने वाले भारत का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट होने वाला है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को कुएं का मेंढक ही बनाकर रखेंगे तो फिर जैसे हमारे हालात चल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कट्टरपंथा ही पैदा होगी, तो इससे जो है ना इस तरीके से जो करें बात करें थोड़ा सा आवाज आएगा जी मौलाना मुफ्ती साहब ने बुला लिया है, तो जब वो बनने ही मौलाना चाहते हैं तो फिर उसकी आवाज पे लब्बैक तो कहेंगे वो गलत है सही है, ये उसको पता ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है कि ये गलत हो रहा है, उसने कहा मौलाना ने कह दिया है, तो यही चीज है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों के लिए कि उनके आप देखिए कि 70% बच्चे मुसलमानों के मदारिस में ही पढ़ते हैं और उनके फ्यूचर्स को आपको देख सकते हैं। और हमने लास्ट जो मदरसी की बच्चियों की वीडियो देखी जो कश्मीर के लिए फटने को भी तैयार थी, और वो कह रहे थे कि भाई हमारी जो आर्मी को गैरत नहीं है कि वो कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, वो नहीं उनको बचाते जाकर, तो उनके कहने का मतलब है आज ही हिंदुस्तान पे हमला कर दे और कश्मीर को वहां से आजाद करवा ले। तो आलोक सर ने कहा था कि भाई थोड़ी सी गैरत अपने बाप भाइयों और उनको भी दिला दें, अगर उनको नहीं है आर्मी वालों को तो जाएं जाकर उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़े। तो ये तो सारी सूरत हाल है, कब हम इन सब चीजों से निकलेंगे, कब हमें वो अवेयरनेस आएगी कि हमने जो मैं नहीं कहता कि बुरा है, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, जो जरूरी आपको दीन की, क्योंकि वो भी आपके पास अगर पूरा नहीं होगा तो फिर भी आप जाहिल के जाहिल कहलाएंगे, वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ में जैसे मोदी साहब ने कहा एक हाथ में कुरान और दूसरे में आपके कंप्यूटर होना चाहिए, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो, फिर ही हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ ये वीडियो देखकर कि भारत में भी जो मुसलमान है ऐसे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।